नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। यानी इस पाठ में आप पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वह निडर और साहसी था। उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। एक दिन उसे अंग्रेज सैनिकों ने पकड़ लिया। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम आजाद बताया। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये सभी शब्द चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वाक्यों में बार बार चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिखना पड़े, इसके लिए इन शब्दों वह, उसने, उसे, उससे, तुम्हारा, अपना का प्रयोग किया गया है। वाक्यों में प्रयुक्त इस प्रकार के सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, जब हम किसी संज्ञा शब्द के लिए कोई और शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा यानी नाम के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व जमा नाम। सर्वनाम अर्थात सभी नाम। जो शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सरल, सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। अब संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपकी जो सर्वनाम की परिभाषा है वो ये है, ठीक है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, वह, वे, तुम, यह, कौन आदि। विशेष, सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के स्थान के रूप में एक जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त। वह पुस्तक पढ़ती है, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त, ठीक है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पहला पुरुष वाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। देखिए, ये सर्वनाम है आपका और इसके भेद ये लिखे हुए हैं, तो आपको उनको याद भी करना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के नाम। अब हम इन भेदों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, मैं पढ़ रही हूं, हम खेल रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो, वह अच्छा नाश्ता है। चित्र के अनुसार यहां वाक्य लिखे हुए हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा जिसके बारे में कोई बात या संकेत हो अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, तुम, आप आदि। ये हो गए आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। यानी अब देखो, पहले सर्वनाम के भेद हुए, सर्वनाम का भेद था पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष, बोलने वाले
अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं और हम, उनको कहते हैं हम उत्तम पुरुष। ठीक है। नंबर दो, मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम, आप, तू, यानी जो सुनने वाले होते हैं उनको हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, आप और तू। नंबर तीन, अन्य पुरुष। बोलने और सुनने वाले को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे, यह, ये, उनको कहते हैं हम अन्य पुरुष। समझ में आया बच्चों? उत्तम पुरुष यानी अपने लिए प्रयोग होने वाला, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष जिसके लिए कहा जाए तुम और आप और तू। अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये आदि। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सुरेश है, वह मेरा घर है। देखिए, जैसा कि नाम है निश्चयवाचक, उसके अनुसार क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द दूर या पास के किसी निश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उस, उन आदि। ये हो गए आपके निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए जैसे यहां पे दूध में कुछ गिरा हुआ है, यानी अनिश्चय का मतलब पता ना हो जो जिसका हमें। मां, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब यहां दूध में कुछ गिरा हमें नहीं पता, यहां दरवाजे पर कोई खड़ा हमें नहीं पता, तो वो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ये हो गया आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर चार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि यहां लिखा है प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछने वाला, जो वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शिव का धनुष किसने तोड़ा था, इसकी दूसरी पहचान क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक की। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तुम किसकी किताब लाए, यहां भी देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये वाक्य क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, किसकी, किसे, किसकी आदि। ठीक है बच्चों, ये आपके हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर पांच है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द हमें दो वाक्यों के बीच में संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसने मेहनत की उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। जो दूसरों की सहायता करता है वह अच्छा बच्चा है। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने। यानी जहां पर भी ये शब्द एक ही वाक्य में आ जाएं तो वहां पर ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे है निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करती हूं, मां मैं अब अपने आप चला जाऊंगा। जैसा यहां लिखा है निजवाचक, यानी अपने आप, निज माने अपना। जिन वाक्यों में स्वयं अपने के लिए प्रयोग किया जाए वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। ठीक है बच्चों, विशेष। आप शब्द आदर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और अपने लिए भी किया जाता है। यदि आदर के अर्थ में आप शब्द
प्रयोग किया जाता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, किंतु यदि अपने लिए प्रयोग किया जाता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। आओ दोहराएं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है बच्चों, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों में किया जाता है, किंतु शब्द के प्रयोग से भेद स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आप इस पाठ को 2 बार कम से कम पढ़ेंगे और याद करेंगे।